निरहुआ के कारण उनकी भौजी यानी कि उनकी बड़ी भाभी डिंपल यादव हो रही हैं ट्रोल, हो रही हैं बदनाम। अब आप ये कह रहे होंगे कि अब तो चुनाव बीत चुके हैं, भाषणबाजी ख़त्म हो चुकी है, बयानों का सिलसिला रुक चुका है, फिर ऐसा डिंपल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच क्या हो रहा है? इन दोनों की वजह से भाभी डिंपल यादव बदनाम हो रही है। भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ जंग काफ़ी दिनों तक चलती है, ये रुकने का नाम नहीं लेती और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें याद रखा जाता है। जी हाँ, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक दो साल बाद बदलती रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया है ही इतना फास्ट कि इसे पुराना और नया होते टाइम ही नहीं लगता। खैर, अब आप ये जानना चाहते होंगे कि डिंपल यादव के बारे में कहा क्या जा रहा है। भाई डिंपल यादव के बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पे आप जहाँ जाएंगे भरे भर के आपको कमेंट मिलेंगे। यहाँ तक कि डिंपल यादव को कुछ सपोर्टर भी हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी कि सपोर्टर नहीं है, लेकिन ट्रोलर्स की संख्या ज़्यादा है, इन्हें लोग ट्रोल बहुत कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भाभी जी आप जीत भी जाती तो क्या करती, आप घर जाइए, बच्चों को संभालिए, ससुर की सेवा कीजिए, पति का ध्यान रखिए, राजनीति आपसे ना होगी। इस वक्त सबसे लेटेस्ट ट्रोल कोई चल रहा है और जो मीडिया में छाया हुआ है, सोशल मीडिया में छाया हुआ है, वो ये है, होली के वक्त तो तुम्हें भौजी याद आती है लेकिन वोट देते वक्त बीजेपी याद आती है। ये जो थंब उनके लिए बनाया गया है ये आजकल सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है और इस वायरल थंब पे कमेंट आ रहे हैं। आपको बता दें कि डिंपल यादव की सबसे ज़्यादा किरकिरी सपा नेताओं में हुई है। जी हाँ, डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र से हार चुकी हैं और अपने पति के संसदीय क्षेत्र में जब वो अपने पति के लिए प्रचार करने गई थी तो वहाँ उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना देवर बता दिया था, जिसके कारण उनकी सोशल मीडिया पे फिर जमकर किरकिरी हुई। अब चाहे जो भी हो, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव देवर भौजाई की लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाएगा। वो बात और है कि अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ की इस जंग को लोग शायद बाद में याद रखें, लेकिन डिंपल यादव और दिनेश लाल यादव की नोकझोंक को लोग इस चुनाव के बीच जाने के बाद भी बातें कर रहे हैं और लगातार अभी हो सकता है कई सालों तक बातें होती भी रहें। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।